हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को विश्व के मानचित्र पर उभारने की एक और पहल करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को देश का स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में उन्होंने मानेसर में अलग से नया नगर निगम बनाने तथा इस क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने के प्रस्ताव का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर व गुरुग्राम मेहरोली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यकरण की दो परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर व गुरुग्राम मेहरोली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यकरण की दो परियोजनाओं के लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम व फरीदाबाद महानगर होने के नाते यहाँ दोनों शहरों के लिए अलग से महानगर विकास प्राधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण हम सब के लिए एक चिंता का विषय है और इसी को देखते हुए वायु को साफ करने के लिए आज दो प्रोजेक्ट एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की गई है। CSR के माध्यम से और खास करके गुरुग्राम जैसे शहर में आप लोग ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें वायु प्रदूषण जितना बढ़ रहा है उसको शोधन करने के नाते वायु शोधन केंद्र जो आपने बनाया है प्रोजेक्ट एयर केयर, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है जिससे हम अपने सब शहरों में, अब गुरुग्राम चौके एक सबसे बड़ा हमारा शहर है, आइकॉनिक सिटी है, स्मार्टेस्ट सिटी है और इसका नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में ख्यात है। तो यहाँ की वायु शोधन केंद्र अगर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन को एक शुद्ध वायु ये ग्रहण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं तो दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे और ये जो शहर, इसमें जो भी कोई हम काम करते हैं तो इसका असर बहुत दूर तक जाता है। गुरुग्राम क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं Fortune 500 उसमें से लगभग 250 कंपनियों के तो जो कार्यालय अपने हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो गुरुग्राम में ही हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ वहाँ के एम्प्लॉइज काम करते हैं। लाखों लोग जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर चाहे उद्योग में काम करते हैं, व्यापार में करते हैं, सर्विसेज के नाते से काम करते हैं, उन सबको एक सुंदर शहर ये मिले, ये सबकी अपेक्षा है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार जो आप लोगों ने गुरुग्राम मेहरोली रोड पर गुरुग्राम का जो प्रवेश द्वार है उसके सौंदर्यकरण का जो ये कार्यक्रम लिया है, ये भी वास्तव में शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कोई भी व्यक्ति दिल्ली मेहरोली साइड से यदि आएगा तो इस सौंदर्यकरण के कारण से जैसे ही गुरुग्राम में प्रवेश करेगा, कहते हैं कि प्रवेश करते ही उस घर के अंदर क्या है ये आधे से ज़्यादा कल्पना तो वहीं हो जाती है। तो इसलिए प्रवेश द्वार पर सुंदरता, वहाँ की कैसे हरियाली है, वहाँ सफाई कैसे है, वहाँ पर किस प्रकार के मॉन्यूमेंट बने हैं, ताकि शहर का एक जो करैक्टर है वो प्रवेश द्वार से ही पता लगता है। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं इसके लिए भी गुरुग्राम के लोगों को मैं बधाई देता हूँ और इसी प्रकार के प्रवेश द्वार बाकी भी सब तरफ गुरुग्राम के अंदर आने की तरफ, अंदर जाने की तरफ वो बनने चाहिए, चाहे वो दिल्ली के रास्ते हैं, चाहे जयपुर के आने वाला रास्ता है अथवा हरियाणा के अपने जो रास्ते गुरुग्राम में जाते हैं। तो सभी मार्गों पर मैं DC साहब को और GMDA के हमारे कुंडू साहब और MCG के सभी लोगों को ये निवेदन करूँगा कि पूरे गुरुग्राम की सुंदरता, स्वच्छता, इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये अपने धारणा जो है गुरुग्राम के बारे में ये अच्छी बनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद के साथ साथ करनाल को भी स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है। इन शहरों में स्मार्ट मानदंडों के अनुरूप जल प्रबंधन, सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन व भवन सुशासन, ई एजुकेशन, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है और इसी के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लोकार्पित की गई ये दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। गुरुग्राम के लोगों को इन दो परियोजनाओं के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा ये परियोजनाएं दीपावली के उपहार स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को त्वरित प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत यहाँ पर लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से टावर ऑफ जस्टिस का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ का लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, जो इस शहर का गौरव भी है। आज जिन कंपनियों के माध्यम से ये सराहनीय कार्य हो रहा है, जिसमें आई एम गुरुगांव एंड मेक माई ट्रिप, इन कंपनियों के
प्रयास जो है वो बहुत सराहनीय है। इस CSR में से ये काम करा रहे हैं, तो समाज सेवा का ये जो काम है ये लगातार इनकी ओर से बढ़ता रहे। गुरुग्राम की अन्य व्यवस्थाएं भी, वो भी हम चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हैं चाहे वो सामाजिक योगदान के नाते से हैं, उनको बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जैसे सुरक्षा प्रणाली है, स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ई गवर्नेंस है, स्मार्ट बिल्डिंग है, ई एजुकेशन है, ई हेल्थ है, तो ये जो सारे यानी जो व्यवस्थाएं हैं इनको अच्छा बनाने के लिए गुरुग्राम के नाते गुरुग्राम के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं, ताकि गुरुग्राम जो है हमारे हरियाणा का आइकॉनिक सेंटर होने के नाते दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन प्लेस ये बने। गुरुग्राम का विस्तार भी बहुत हो रहा है। अभी जैसे एक जानकारी मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि गुरुग्राम में अभी नगर निगम हमारा एक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन मानेसर का जो क्षेत्र है वो इस नगर निगम क्षेत्र से अभी बाहर पड़ता है, लेकिन वो भी चूँकि एक बड़ी म्यूनसिपैलिटी हो गई है, तो इसलिए एक नगर निगम गुरुग्राम का और बनाया जाए, ऐसा एक विचार चल रहा है, और बहुत जल्दी इसका आप लोगों को एक शुभ सूचना मिलेगी कि हम अलग से मानेसर के क्षेत्र को विकसित करने के नाते से हमारा ये जो काम हो रहा है। तो इस प्रकार गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गुरुग्राम की सर्विसेज हों, इसमें हमें क्योंकि आर्थिक दृष्टि से गुरुग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, चाहे सरकार का रेवेन्यू हो और उसके बदले में हम जो खर्च करते हैं वो भी वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में हर प्रोजेक्ट जो है वो हरियाणा के अन्य शहरों के लिए उदाहरण बने, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। जैसे मानो जुडिशरी का है तो टावर ऑफ जस्टिस एक बहुत बड़ा वहाँ बनाया जा रहा है, तो इसी प्रकार हमारा जो अपना रेस्ट हाउस है PWD का, हरियाणा का सबसे सुंदर रेस्ट हाउस 100 कमरों का, ये PWD का गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी ये भी हम बनाने जा रहे हैं, जो एक बड़े क्षेत्र के अंदर गुरुग्राम का एक आर्थिक केंद्र गतिविधियों का ये सब बनेगा। तो ऐसे गुरुग्राम के बारे में एक सारी सरकार के जो अच्छे विषय होते हैं वो सब वहाँ लागू करते हैं। GMDA खास करके, क्योंकि पहला एक डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम में हरियाणा की बनाई है, वहाँ के काम सब हमारे कुंडू जी के माध्यम से वहाँ के नागरिकों के साथ तालमेल करके और वो सब किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी इसी प्रकार की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, आगे चल करके एक एक शहर में स्मार्ट सिटीज़ कैसे बने, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कैसे बने। गुरुग्राम हमारा स्मार्टेस्ट सिटी है, लेकिन दो सिटीज़ और हैं, फरीदाबाद है, करनाल है, दोनों को हमने स्मार्ट सिटीज नाते से ये सब किया है। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं समझता हूं कि जो दोनों प्रोजेक्ट हैं जिनका इनॉग्रेशन करना है उसकी मैं आप लोगों को आज्ञा देता हूं कि उसको आप एक उसका उद्घाटन जो है वो आप वहां कर दें, मेरी ओर से इसकी परमिशन। अपनी वजन की समस्या को कहें अलविदा, टेस्टी डाइट के जरिए प्रभावी तरीके से कम करें वजन। 90 दिन के आहार पर आधारित आपके द्वारा खाने के तरीके को करेगा व्यवस्थित। इंतजार किस बात का, आप ही फोन उठाइए और राजेंद्र सेठिया से जाने अपनी हर समस्या का समाधान। आज ही संपर्क करें 9781122300। हाय, आई एम राजेंद्र सेठिया, फिटनेस कोच, वेलनेस कोच। तो हम लोगों को वेट लॉस, मसल गेन, लाइफ टाइम फिट कैसे रहना है उसके लिए जानकारी देते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोगों से हम पूछते हैं कि आपने वेट लॉस के लिए, फिटनेस के लिए क्या किया, तो वो कहते हैं मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया, मैंने जुम्बा क्लास ज्वाइन किया, मैंने डाइटिंग करी। तो फिटनेस में जो मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल है, वो है 20% एक्सरसाइज और 80% हमारी न्यूट्रिशन, डाइट का रोल है। तो किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें कितना फाइबर चाहिए, हमें कितने विटामिन्स चाहिए, हमें कितने कार्ब चाहिए, कौन से कार्ब चाहिए। अगर पता भी है तो हमें पता नहीं है कौन से कार्ब हमें कहाँ से लेने चाहिए, कौन सी फाइबर हमें कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से प्रोटीन लेना चाहिए, हमारी प्रोटीन कितनी मात्रा हमें चाहिए। तो हम लोगों को ये फिटनेस के बारे में, वेट लॉस के बारे में, मसल गेन के बारे में, आप मेडिसिन फ्री लाइफ, बीमारियों से कैसे बच सकते हो उसके बारे में जानकारी देते हैं। हम ऑनलाइन आपको घर बैठे पूरी जानकारी देंगे, आपको जूम कॉल के ऊपर हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन डेली सुबह 6:30 से 7:30 बजे हमारा एक सेशन होता है जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए 9781122
000। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मुझसे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में, आपको लाइफ टाइम फिटनेस एंजॉय करने में। थैंक यू।